नमस्कार, विवर्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजनाथ सिंह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए। जगदीप जी, क्या आप इससे सहमत है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटा देना चाहिए? मेरा सबसे बड़ा विरोध इस बात से है कि शब्दों को हटा देने से जमीनी स्तर पर चीजें बदल पाएंगी क्या। ये बात ठीक है कि शब्द अगर संविधान में लिखे हैं तो उनकी गहरे मायने होते हैं, उसकी विवेचना होती है। मुझे दिक्कत सबसे बड़ी है कि ये बात में राजनाथ सिंह ने जब संसद में बहस कर रहे थे, लोकसभा में बोल रहे थे, उन्होंने जब कहा था कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का बहुत दुरुपयोग हुआ है पिछले कुछ सालों में, तो इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन उस शब्द को हटा देने भर से वो दुरुपयोग रुक पाएगा कि नहीं, इस बात से मैं कतई सहमत नहीं हूँ। मेरी अपनी शंकाएं हैं। ये बात सही है कि हम शाब्दिक तौर पर देखें तो ये जो सेकुलर शब्द संविधान में जब लाया गया था इंदिरा जी द्वारा उस वक्त संविधान संशोधन के जरिए, तो मुझे लगता है कि उस सेकुलर शब्द का अगर हम शब्दकोश के आधार पर अर्थ देखें तो वो होता है पंथ निरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्ष जगह हिंदी अनुवाद में जब धर्म निरपेक्ष आया तो दरअसल धार्मिक कट्टरता के बारूद पर बैठा ये देश, जिसमें भारत और पाकिस्तान का एक बड़ा विभाजन और बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया, उस विभाजन के दर्द को सहा हुआ है और उस दर्द में अनगिनत लाशें और खून का दरिया छुपा हुआ। उस दरिया के ऊपर आज भी देखा जाए तो कहीं पे भी शांति नहीं है। हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम पर हम खुद ज्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, लड़ते हैं, और दूसरे धर्मों को लेकर भी हम देखते हैं कि एक अलग तरह का माहौल है। और उस वजह से ये धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है, जो हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान अगर एक राष्ट्र को मान्यता देता है, हम एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व चाहते हैं, तो उस राष्ट्र में अगर हम मानते हैं कि हम धर्म को लेकर निरपेक्ष हैं तो फिर सारे बातों में होना चाहिए। हम देखते हैं कि सब धर्मों के अलग अलग कानून हैं। आज तक एक समान नागरिक आचार संहिता लागू नहीं हो पाई है। धर्मों के लोगों ने अपने अपने धार्मिक वोट बैंक के आधार पर अपनी अपनी बातें मनवाने की कोशिश की। धर्म से आगे जाकर हम जाति आधार पर इतने अधिक बटे हुए हैं कि हमने जाति के आधार पर आरक्षण का करके और एक समाज का माहौल बना दिया है। तो क्या धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा देने मात्र से धर्म और जातियों के नाम पर बटा हुआ ये समाज एक हो जाएगा? मेरा सवाल ये। लेकिन जिसका राजनीतिक दुरुपयोग कैसे रुकेगा फिर? देखिए, राजनीतिक दुरुपयोग कम से कम संविधान में इस शब्द के परिवर्तन कर देने से नहीं रुकेगा, क्योंकि अगर आप संविधान का हवाला देते हुए बात करेंगे तो भी लोग मान तो रहे नहीं है। मुझे तो बल्कि ये लगता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास भारत का संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में बना और इतने सारे लोग जो एक अच्छे नए भारत का सपना देखते थे, बड़े बड़े स्वप्न दृष्टा बुद्धिजीवी उसमें जुड़े हुए थे, उन्होंने जिस भारत का सपना देखकर ये संविधान बनाया था, शायद उनको बहुत दूरदृष्टि थी। उनको पता था कि इस विविधता वाले हिंदुस्तान के पूरे ताने बाने को जोड़कर कोई एक चीज जो रख सकती है तो वो इस देश का संविधान। हम उसको नमस्कार करते हैं, सलाम करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उसका जो व्यावहारिक अमल हिंदुस्तान में अच्छे से होना चाहिए था वो आज भी नहीं हो पा रहा। हम संविधान में शब्द बदल देने मात्र से जमीनी हकीकतों को नहीं बदल पा रहे हैं। संविधान दुहाई देता है एकता की, न्याय की, समानता की। क्या वो एकता, न्याय, समानता, समरसता? आप सेकुलर शब्द को लेकर, धर्मनिरपेक्ष शब्द को लेकर तो इतनी बहस कर रहे हैं, इतनी डिबेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें सोशलिस्ट भी है। क्या समाजवाद हमारे हिंदुस्तान में सच्चे अर्थों में हमें दिखाई देता है? तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। ऐसी बातों से विद्वेष नहीं फैलता वर्गों के बीच में? मुझे लगता है कि ये जो अल्पसंख्यक एक हमने शब्द खड़ा किया है और जो अकलियत की हम बातें करते हैं, जो हमने अलग अलग खित्ते में पूरे देश को बांट रखा है, मुझे लगता है बहुत बड़े नुकसान देश को पहुंचा रहा है। और मुझे मनमोहन सिंह जी जैसे एक विद्वान व्यक्ति जिनकी एक बहुत साफ छवि है और कांग्रेस की सरकार चलाई उन्होंने, उस पर कई दाग लगे हैं 2G के और दूसरे कोयला घोटाले के, उसके बावजूद भी व्यक्तिगत तौर पर मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा सम्मान है। नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको सम्मान दिया, उनसे आज भी बात करते हैं सलाम। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि इससे सीधे सीधे तुष्टिकरण की बू आती है। पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का अगर होगा तो बहुसंख्यक वर्ग का नाराज होना जायज है। आपने इस देश को अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में इस तरीके से बांटा ही क्यों है? सभी इस देश के नागरिक हैं, जो कानून है वो सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। आज लाल लाइट पर अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ेगा तो उस पर जुर्माना समान रूप से लगेगा कि पहले उससे पूछा जाएगा कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि क्रिश्चियन है कि सिख है? तो जब वहां पर नियम समान रूप से लागू होते हैं, अगर आप हत्या करते हैं तो दफा 300 तो लगेगी और आपको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाएगा। तो जिस तरीके से कानून सबके लिए समान है, उसी तरीके से अधिकार सबके लिए समान है, कर्तव्य सबके लिए समान है। और जब आप ये कहते हैं कि इस देश पर पहला जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का है, तो मुझे लगता है तब आप इस देश को बांटने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा बन जाते हैं, चाहे अनजाने ही सही। यदि धर्म और जातियों की बात के बीच में ऐसा नहीं लगता है कहीं ना कहीं भारतीय तक हो गई है? निश्चित तौर पर आपने बहुत अहम बात कही, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम हिंदू की बात कर रहे हैं, मुसलमान की बात कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहे हैं, सामाजिकता की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कौन कर रहा है, राष्ट्र की बात कौन कर रहा है?
कोई केसरिया रंग लेके बैठा है, कोई हरा रंग लेके बैठा है, कोई शांति की बात करते हुए सफेद रंग बीच में ले आता है, लेकिन हमारा जो हिंदुस्तान का तिरंगा वो तो तीनों रंगों के मिलन से बना है और उस पर एक अशोक चक्र लगा हुआ है। और इस पूरे तिरंगे का सम्मान आखिर कौन कर रहा है? इस राष्ट्र की अवधारणा को जीवंत कौन कर रहा है? हर व्यक्ति को अपने मजहब से, हर व्यक्ति को अपने सूबे से, हर व्यक्ति को अपने क्षेत्र से, हर व्यक्ति को अपने जाति से मतलब है? हम ये कहीं कहते नहीं कि हम भारत के व्यक्ति और हम भारत की चिंता कर रहे हैं? भारत मुझे लगता है इन तमाम बहसों के बीच में कहीं खो गया है, और जब तक उस भारत को जिंदा नहीं करेंगे, आज देखिए आप तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर जो खड़ी हुई है जो दुनिया है, उसमें हिंदुस्तान ही वह है जो सबसे बड़ी और निर्णायक भूमिका निभा सकता है। पहले के दो विश्व युद्धों में हम एक गुलाम हिंदुस्तान में जी रहे थे जिसमें हमारा कोई मत नहीं था, कोई स्टैंड नहीं था। हमारे सैनिकों को जहां झोंका गया वहां उनको जाना पड़ा, उनको जूते साफ करने से लेकर सामान ढोने तक के ओछे काम करने पड़े, उनको बलि का बकरा बनाया गया। और मुझे लगता है आज जब एक स्वाभिमान राष्ट्र के रूप में हम सर ऊंचा कर दुनिया के सामने खड़े हैं, तब जब दुनिया के देश आपस में धर्म को मुद्दा बनाकर, राजनीति की बिसात बिछाकर अपने अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए हैं और दुनिया को एक और युद्ध की ओर धकेलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, तब हिंदुस्तान एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन जरूरी है कि उसके पहले हिंदुस्तान के भीतर वो माहौल कायम हो जो राष्ट्र के रूप में हिंदुस्तान की गर्दन और अधिक ऊंची उठा सके। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे धर्म निरपेक्षता पर राजनाथ सिंह के बयान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।